जंगल में एक छोटे से घर में रानू चिड़िया अपने नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। माँ खाना दे दो, बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। हाँ माँ, मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, जल्दी जल्दी गर्मा गर्म खाना ला दो। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे मालूम है कि तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, लेकिन थोड़ी देर सब्र कर लो, मैं अभी बाहर जाती हूँ और खाना लेकर आती हूँ। माँ हम इतने ज्यादा गरीब क्यों हैं? हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। बेटा तुम्हारे अब्बू इस दुनिया में नहीं है, जब वो होते थे तो हमारे पास एक बड़ा सा घर होता था और खाने की किसी भी चीज की कोई कमी ना थी। माँ हमें अब्बू बहुत ज्यादा याद आते हैं। हाँ मेरे बच्चों, याद तो मुझे भी बहुत आते हैं। माँ आप फिकर ना करो, अब्बू ने हमसे कहा था कि वो हर वक्त हमारे पास हैं। चलो बेटा अब मैं तुम दोनों के लिए खाना लेकर आती हूँ, मेरा इंतजार करो। ठीक है माँ, हम बाहर जा रहे हैं नदी किनारे, जब खाना बन जाएगा ना तो आप हमें बुला लेना। ठीक है मेरे बच्चों, जल्दी जाओ। फिर रानू चिड़िया खाना लेने के लिए बाहर चली जाती है और जूनी और बंटी बाहर जाकर नदी किनारे बैठ जाते हैं। जूनी भैया मैं सोच रहा था अगर हम भी अमीर होते तो हमारे पास कितने ज्यादा सारे खिलौने होते। हाँ मेरे भाई, लेकिन हमारी माँ हमारी तमाम ख्वाहिशात को पूरा तो कर रही है ना। भैया मैंने सुना है पीछे वाले जंगल में ना एक मज़ेदार फल उगता है, मैंने वो खाना है, क्या आप मुझे लाकर दे देंगे? ठीक है मैं तुम्हारे लिए फल लेने के लिए जाता हूँ और तुम मेरा इंतज़ार करना। पर भैया मैं मम्मा से क्या कहूँगा, आप कहाँ पर चले गए? माँ से कहना कि मैं खाना लेने के लिए गया हूँ और जल्द वापस आ जाऊँगा। भैया पर देर ना करना वरना मम्मा मुझे बहुत ज़्यादा मारेंगी। नहीं मेरे भाई, मैं तुम्हारे लिए मज़ेदार फल ज़रूर लेकर आऊँगा। फिर जूनी फल की तलाश में पीछे वाले जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। रानू चिड़िया जब घर आती है तो उसे जूनी कहीं पर नज़र नहीं आता। बताओ बंटी बेटा, जूनी कहाँ चला गया? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम दोनों मिलकर रहना, फिर तुम्हारा भाई कहाँ चला गया? मम्मा भैया मेरे लिए एक मज़ेदार फल लेने के लिए गए हैं। सच सच बताओ बंटी, कहाँ पर गया है जूनी? माँ वो पीछे वाले जंगल में गया है। अरे वो जंगल बहुत ज्यादा खतरनाक है और जूनी अभी बहुत छोटा है, तुमने उसे कैसे जाने दिया? मम्मा मैंने मना किया था लेकिन भैया ने कहा मैं फल जरूर लेकर आऊँगा। चलो अब मैं जा रही हूँ जूनी को ढूंढने के लिए, और बंटी तुम घर से बाहर एक कदम ना रखना वरना तुम भी जूनी की तरह गुम हो जाओगे। फिर रानू चिड़िया जूनी की तलाश में पिछले जंगल की तरफ रवाना हो जाती है और उधर जूनी, अरे वाह वाह क्या खूबसूरत जंगल है, कितना प्यारा झरना बह रहा है, माँ से कहूँगा कि यहाँ पर ही हमारा घर बना ले, ये जगह तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। जूनी जंगल में बैठा झरने से पानी बहता हुआ देख रहा था। मेरी बेटी को क्या हुआ? उठ जाओ मेरी बेटी उठ जाओ, तुम्हें क्या हो गया? अरे ये कौन रो रहा है, किसके रोने की आवाज है? मैं जाकर देखता हूँ, क्या पता किसी को मेरी मदद की जरूरत हो। फिर जूनी रोने की आवाज का पीछा करता है और एक गुफा के करीब चला जाता है। अरे लगता है यहाँ से रोने की आवाज आ रही है, लेकिन इस घने जंगल में कौन रो रहा होगा? फिर जूनी अंदर जाकर देखता है तो एक कबूतरी जोर जोर से रो रही होती है। क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं? और इसे क्या हुआ, ये कौन है? ये मेरी बेटी है, देखो ये कितनी ज्यादा जख्मी हो गई है, मैं बाहर खाना लेने के लिए गई थी और घर आकर देखती हूँ तो ये इस हालत में पड़ी हुई है। आंटी मुझे लगता है इसे सांप ने काटा है, मेरे पास इसका इलाज है। लेकिन बेटा तुम तो बहुत ज्यादा छोटे हो, तुम्हें कैसे पता कि इसका इलाज क्या है?
मेरी माँ ने हमें सब कुछ सिखाया है। फिर जूनी कबूतरी के साथ एक खूबसूरत जड़ी बूटी लेकर आता है और कबूतरी की बेटी को खिला देता है। थोड़ी ही देर में वो बिल्कुल सेहत याब हो जाती है। अरे वाह बेटा, तुमने तो मेरी बेटी को ठीक कर दिया, तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे हो। हाँ आंटी, लेकिन मैं रास्ता भूल गया हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगी? मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर भेज देती हूँ, लेकिन मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हें एक चीज देनी है। अरे आंटी, ये चक्की, इसका मैं क्या करूँगा? बेटा ये तुम्हारा इनाम है, इसे तुम अपने घर ले जाओ। पर मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये चक्की जादुई चक्की है और इस चक्की से तुम जो भी मांगोगे तुम्हें वो मिल जाएगा, और जितनी तुम्हारी जरूरत है उतना ये चक्की खुद ब खुद तुम्हें दे देगी। अरे वाह वाह, जादुई चक्की है ये, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर जूनी जादुई चक्की लेकर अपने घर चला जाता है। जूनी बेटा, कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हें पता नहीं मैं कितनी परेशान हो गई थी। हाँ माँ, मुझे मालूम है, आप मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है ना। और ये चक्की तुम्हारे पास कहाँ से आई, किसने दी तुम्हें? माँ, ये मैंने जंगल में एक कबूतरी की मदद की थी, फिर उसने मुझे इनाम में दी है। बेटा ऐसे किसी की चीज नहीं लेकर आते। लेकिन माँ, ये तो मेरा इनाम है ना, उसकी बेटी को सांप ने काट लिया था और मैंने उसका इलाज किया तो फिर उसने मुझे इनाम में दे दी। ये जादू वादू कुछ नहीं होता, और आइंदा मुझे बगैर बताए अगर तुम घर से बाहर गए तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। माफ कर दो माँ, आइंदा कभी आपसे बगैर पूछे कहीं नहीं जाऊँगा। फिर रानो चिड़िया खाना लेने के लिए बाहर चली जाती है। भैया, ये चक्की सच में जादुई चक्की है या आपने मम्मा से झूठ बोला है? अरे यार, अब क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये जादुई चक्की है, देखो इस चक्की से कुछ भी मांग कर देख लो। ठीक है भैया, तो आप सबसे पहले एक बड़ा सा घर मांगिए इस चक्की से, देखते हैं ये चक्की हमें क्या दे सकती है। ठीक है। चक्की चक्की, हमारे घर को एक बड़ा सा खूबसूरत सा घर में तब्दील कर दो। अचानक चक्की से जादू हुआ और देखते ही देखते रानो चिड़िया का घर एक खूबसूरत घर में तब्दील हो गया। जब रानो चिड़िया घर वापस आई, अरे ये किसका घर है, यहाँ पर तो मेरा घर हुआ करता था, किसने मेरा घर तोड़कर अपना घर बना लिया? रानो चिड़िया अंदर जाकर देखती है तो जूनी और बंटी उस घर में मौजूद होते हैं। माँ देखो, ये उस सारे जादुई चक्की का कमाल है, उसने हमें इतना बड़ा सारा घर दे दिया है और घर में अनाज भी भर दिया है। सच में बेटा, क्या ये चक्की जादुई चक्की थी? जी हाँ माँ, आप तो भैया की बातों पर यकीन ही नहीं करती, अब तो यकीन आ गया ना आपको? हाँ हाँ मेरे बच्चों, अब तो मुझे यकीन आ गया, और ये चक्की तो सच में जादुई चक्की है, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी अंडे से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे इंतज़ार है ये देखने के लिए कि मेरे बच्चे कैसे हैं। रानो चिड़िया इतना कहती है और अपने अंडों के पास बैठकर सो जाती है। अगली सुबह रानो चिड़िया जब उठती है तो उसके अंडे से 8-8 बेटी चिड़िया निकलती हैं। मम्मा मम्मा, मेरी बेटियाँ, वो भी 8-8, तुम सब बहुत खूबसूरत हो। मम्मा आप भी बहुत खूबसूरत हैं, हम अंडे में बस इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि हम कब बाहर निकलेंगे और कब अपनी मम्मा से मिलेंगे, आज आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थोड़ी ही देर में बंटी भी घर आ जाता है। बंटी बहुत बहुत मुबारक हो, हमारे घर 8-8 बेटी चिड़िया हुई हैं। क्या सच में तुम सच कह रही हो? और क्या मैं झूठ बोलूँगी? तो मुझे दिखाओ, मैं अपनी बेटियों से मिलना चाहता हूँ। अरे वाह वाह, ये सब कितनी खूबसूरत हैं, इनका रंग कितना प्यारा है, और लाल रंग तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। रानो, अब मैं मिठाई लेने जा रहा हूँ,
और तुम मेरी बेटियों का ध्यान रखना। हाँ हाँ ठीक है, मैं इन सब का ध्यान रखूंगी। आप जल्दी से बस मिठाई ले आए, फिर मैं सारे घरों में बांटकर भी तो आऊंगी। अरे कबूतर भाई, आपकी दुकान में जितनी भी मिठाई हो सारी की सारी पैक कर दो, आज मैं बहुत खुश हूँ। बंटी भाई बताओ तो क्या बात है, ऐसी क्या खुशी है? मेरे घर 8-8 बेटी चिड़िया हुई हैं और मैं सारे घरों में मिठाई बांटना चाहता हूँ। अच्छा, क्या सच में? वैसे तो आज ये बहुत ही अनोखी बात हुई है, पहले तो इस जंगल में किसी के घर भी बेटी चिड़िया नहीं हुई। हाँ हाँ, इसीलिए तो मैं बहुत खुश हूँ। अब तुम सारी मिठाई पैक कर दो। गोरी बहन, ये मिठाई खाओ। मिठाई? किस चीज़ की मिठाई? मेरे घर 8-8 बेटी चिड़िया हुई हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बेटी चिड़िया तुम्हारे घर हुई है तो मुबारकबाद मुझे क्यों दे रही हो? इस जंगल में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी के घर 8-8 बेटी चिड़िया हुई हैं। बहन, ये तो हमारी खुशकिस्मती है। अपनी खुशकिस्मती मत समझो इसे, ये तुम्हारी बदकिस्मती है। अब तुम्हारी 8-8 बेटियां हैं, अब तुम अपने ये पैसे बचाना शुरू कर दो, उनके लिए आगे जाकर जहेज भी तो जमा करना है। बहन, आप बस मिठाई खाएं, उनकी फिक्र हम खुद ही कर लेंगे। चिंटी बहन, मुबारक हो, मेरे घर 8-8 बेटी चिड़ियां हुई हैं। खैर मुबारक, तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। कैसी हैं तुम्हारी बेटियाँ? वो बहुत छोटी छोटी होंगी ना? हाँ हाँ, वो बहुत छोटी हैं। तुम किसी दिन मेरे घर आना, मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूँगी। ठीक है, तो मैं कल ही आ जाती हूँ। हाँ हाँ, कल ही आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। चिंटू बेटा, क्या तुम्हें मालूम है रानो आंटी के घर 8-8 बेटी चिड़ियाँ हुई हैं? मम्मा, सच में वैसे तो इस जंगल में कोई भी लड़की नहीं है और यहाँ पर तो 8-8 बेटी चिड़ियाँ हुई हैं। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ मेरे बच्चे, मैं उनसे मिलने के लिए भी जाऊँगी और उन्हें देख कर आऊँगी कि वो कैसी हैं। मम्मा, मुझे भी अपने साथ ले जाना, मैं उन सबसे दोस्ती कर लूँगा और उन्हें अपनी बहनें बना लूँगा। शाबाश मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी और तुम्हारी दोस्ती उनसे करवा कर ही आऊंगी। शुक्रिया मम्मा। अरे अरे बंटी भाई, बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर, तुम्हारे घर 8-8 बेटी चिड़िया हुई हैं। अब तुम ये सामान और ज़्यादा रख लो, क्योंकि तुम्हें पैसों की और मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी। पर भाई, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तुम्हारी बेटियां हुई हैं बेटे नहीं, और बेटियों के लिए आगे जाकर तुम्हें जहेज भी तो बनाना है। इसकी फिक्र आप मत करें, ऊपर वाले ने जब हमें बेटियां अता कर ही दी हैं तो फिर उनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए मेरे कंधों में इतनी ताकत भी तो दी है। कंधे? तुम्हारे कंधे तो बहुत पतले हैं। हालांकि कंधे तो हैं ही नहीं, वो तो पर हैं। लेकिन मैं अपनी बेटियों को पाल सकता हूँ और बहुत अच्छे तरीके से उनका ख्याल भी रख सकता हूँ। मैं तो तुम्हारा दोस्त होने के नाते ऐसा कह रहा था। फिर मुझे इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के बाद मेरी और तुम्हारी दोस्ती बिल्कुल ख़त्म। ना मैं तुमसे कभी बात करूँगा और ना तुम मुझसे कभी बात करना। ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। शाम को रानो चिड़िया और उसकी 8 बेटियां आराम से सोई हुई थी। बंटी घर आता है। अरे आप आ गए, आपने खाना खा लिया या ला कर दूँ? नहीं नहीं, आज मुझे भूख नहीं है। कालू भाई मेरा इतना अच्छा दोस्त था, आज उसने मेरी बेटियों की वजह से मुझसे दोस्ती तोड़ दी। अब मैं क्या करूँ, कैसे समझाऊँ कि मेरी बेटियां मुझ पर बोझ नहीं हैं? आप फिक्र ना करें, ये लोग खुद ही देख लेंगे। जब आप अपनी बेटियों के लिए मेहनत करके उन्हें अच्छी ज़िंदगी गुजारने देंगे ना, तो इन्हें खुद ही समझ आ जाएगा। हाँ हाँ, तुम ठीक कहती हो। तो आप अब खाना खा लें, अब भूखे पेट सोना कोई अच्छी बात है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब तुम जल्दी से गर्मा गर्म खाना ले आओ, मैं जल्दी जल्दी खाना खाकर आराम से सो जाता हूँ, फिर अगले दिन मुझे बहुत सा काम है।
फिर बंटी पेट भर कर खाना खाता है और सो जाता है। अगली सुबह बंटी अपनी बेटियों को लेकर नदी की सैर पर चला जाता है। बंटी अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था और वो अपनी बेटियों की हर ख्वाहिश को पूरा करता था। मेरी प्यारी बहनों, क्या आप सबको मालूम है हमारे जंगल में एक नया स्कूल खुला है। उस स्कूल में सब बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। सच में चिंटू भैया, हम भी वहाँ पर जाना चाहते हैं, लेकिन हम वहाँ पर कैसे जाएंगे? तुम सब अपने बाबा से बात करो, अगर वो तुम्हें अपने साथ ले जाते हैं तो ठीक है। मेरे बाबा ने तो मुझे इजाज़त दे दी है। ठीक है ठीक है, हम सब बात करते हैं, आप हमारा यहीं पर इंतज़ार करना। अब तुम सब अंदर जाकर छुप जाओ, जब अबू आएंगे ना तो मैं उनसे अकेले ही बात कर लूँगी। अगर वो हाँ कहते हैं तो मैं तुम सबको बुला लूँगी। ठीक है, लेकिन हम पीछे खड़े होकर ज़रूर सुनेंगे कि अबू और तुम क्या बातें कर रहे हो। अबू अबू, हम सब स्कूल जाना चाहते हैं। मैंने सुना है इस जंगल में एक स्कूल खुला है, क्या आप हम सबको स्कूल भेज सकते हैं? अरे मेरी बेटी, अगर तुम सब पढ़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें कैसे रोक सकता हूँ। और स्कूल, हाँ हाँ, मैं तुम्हारे लिए किताबें भी खरीद कर लेकर आऊँगा और तुम्हारा स्कूल में दाखिला भी करवाऊँगा। शुक्रिया अबू, हम तो वैसे बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि कहीं आप हमें इनकार ना कर दें। मेरी प्यारी बच्ची, मैंने कभी आज तक तुमसे इनकार किया है जो मैं इस चीज़ पर इनकार कर दूँगा? नहीं अबू, हमें फ़कर है कि आप हमारे अबू हैं। चिंटू भाई मुबारक हो, अबू मान गए, वो हमें स्कूल भेजने पर राज़ी हो गए हैं। अच्छा, क्या सच में? वैसे तुम्हारे अबू बहुत बहादुर हैं, आज तक कोई भी परिंदा अपनी बेटियों को घर से बाहर नहीं निकालता और तुम्हारे अबू तुम्हें स्कूल भेज रहे हैं। अगले दिन बंटी स्कूल चला जाता है। सर, मैं अपने बच्चों का दाखिला करवाना चाहता हूँ, आप 8 बच्चों की कितनी फीस लेते हैं? 8 बच्चे? तुम्हारे 8 बच्चे हैं? हाँ हाँ, वो सब लड़के हैं? नहीं, वो सब लड़कियां हैं। अरे भाई, शायद तुम भूल रहे हो, इस जंगल में आज तक कोई भी अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाता, तो तुम कैसे मेरे स्कूल में उनका दाखिला करवाने के लिए आ गए? मैं किसी से नहीं डरता, आप बस मेरी बेटियों को पढ़ाना शुरू करें, जितनी फीस लेंगे मैं उतनी दूंगा, और अगर कोई इजाफी लेनी हो तो मुझे बता देना। अरे अरे नहीं नहीं, मुझे इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ कि आप इस जंगल में किसी की बातों से नहीं डरते, आप बहुत अच्छे हैं। मैं आपसे कोई इजाफी फीस नहीं लूँगा, हालांकि कुछ फीस मैं अपनी तरफ से मिलाकर आपकी 1-2 बेटियों को फ्री में भी पढ़ा दूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तो आप मेरी बेटियों का नाम लिख लें। हाँ हाँ, नाम तो मैं लिख लूँगा जब वो स्कूल आएंगी, लेकिन आप उनके लिए किताबें खरीद लें और कुछ बस्ते खरीद लेना। हाँ हाँ, अभी मैं दुकान पर जाता हूँ और उनके लिए चीज़ें खरीद कर लेकर आता हूँ। भाई, आपकी दुकान पर ये जितने भी बस्ते रखे हैं वो सारे पैक कर दें। अरे भाई, ये 8 बस्ते बचे हैं मेरे पास। हाँ हाँ, ये 8 के 8 ही दे दें। इनके कितने रुपये हो गए? इनके 1,000 रुपये हो गए, आप मुझे 1,000 दे दें और ये सारे बस्ते ले लें। ठीक है, शुक्रिया आपका, ये लें पैसे। फिर बंटी 1,000 रुपये के 8 बस्ते खरीद लेता है। फिर बंटी अपनी 8 बेटियों के लिए 8 जोड़े किताबें भी खरीद लेता है। मेरी प्यारी बच्चियों, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए नई किताबें और बस्ते भी लेकर आया हूँ। बस्ते तुम्हारे कमरे में रखे हैं, अब जाकर दिल जान से मेहनत करो। कालू मेरे दोस्त, मैं अपनी बेटियों का दाखिला स्कूल में करवा कर आया हूँ और तुम्हारी वैन भी स्कूल की तरफ जाती है, क्या तुम मेरी बेटियों को अपनी वैन में बिठा कर ले जाओगे? जितने पैसे लोगे उतने ही दूंगा। अरे भाई, अपना काम करो, मैं अपनी वैन में तुम्हारी बेटियों को बिल्कुल नहीं बिठाऊंगा। मैं मुसाफिरों के लिए वैन लेकर जाता हूँ, ये नहीं कि अब तुम्हारी बेटियों को उठाकर स्कूल भेज कर आऊँ।
आखिरकार बंटी अपनी बेटियों को एक रेड़ी पर लादकर स्कूल छोड़ाता है। शुक्र है ये लकड़ियाँ जमा हो ही गई, अब इन्हें हिफाजत से रख देता हूँ। सुबह इन्हें बेचकर इनसे कुछ पैसे मिल जाएंगे, फिर उनसे बेटियों की फीस अदा कर दूँगा। वैसे तो काफ़ी रात हो गई है, अब घर जाता हूँ और जाकर कुछ खा लेता हूँ, फिर दोबारा आकर यहीं पर काम कर लूँगा। बंटी आज आप काफ़ी देर से घर आए हैं, क्या कोई ज़रूरी काम था? हाँ हाँ बहुत ज़रूरी काम था, बच्चों की फ़ीस अदा करनी है, उसके लिए पैसे देख रहा था। कुछ पैसे मेरे पास भी हैं, अगर कुछ पैसों की ज़रूरत है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें दे दूँगी। नहीं नहीं मुझे तुम्हारे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी बेटियाँ कहाँ हैं? वो सब अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही हैं, कल उनका सालाना इम्तिहान है ना। अच्छा चलो उन्हें पढ़ लेने दो, मैं बाद में मिल लूँगा उनसे। अरे मेरे शेर बेटो जल्दी जल्दी खाना ख़त्म करो और उसके बाद जाकर चील के घर से चोरी कर लेना, आज तक जितनी भी चोरी की है सारी की सारे पैसे ख़त्म हो गए हैं, अब जल्दी जल्दी जाओ और चोरी कर और पैसे लेकर आओ ताकि हम ये लजीज खाने रोज़ाना खा सकें। हाँ हाँ अब्बू मैं चला जाऊँगा इन दोनों को लेकर, इन दोनों को तो कुछ पता ही नहीं है, मैं ही तो इन्हें बताता हूँ कि ये चीज़ वहाँ से यहाँ रखनी है। आखिरकार तुम मेरे बड़े बेटे हो और जब मैं चोरी करता था तो तुम भी मेरे साथ ही होते थे ना, इसीलिए तुम्हें तो सब मालूम होगा। खाना खाने के बाद कालू कव्वे के तीनों बेटे चील के घर चोरी करने के लिए चले जाते हैं। उधर चील अपने कमरे में खूब आराम से सोया हुआ था। देखो यहाँ पर तीन तीन बड़े बड़े बक्से रखे हैं और इनके अंदर कुछ कीमती सामान है, तुम दोनों बिल्कुल शोर मत करना, इन तीनों डब्बों में से एक एक हम अपने सरों पर रखेंगे और चुपचाप बाहर की तरफ निकल जाएंगे, किसी ने कोई हलचल नहीं मचानी। कालू कव्वे के तीनों बेटे तीन डब्बे अपने सरों पर रखकर बाहर की तरफ रवाना हो जाते हैं। कहाँ जा रहे हो, लगता है बहुत जल्दी में हो, आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मेरी सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करके चोरी किए जा रहे हो और मुझे पता भी नहीं चलने दे रहे। फिर चील कालू कव्वे के तीनों बेटों को खूब जोर जोर से मारता है। अरे मेरे बच्चों तुम लोग इतने जख्मी कैसे हो गए, क्या हुआ तुम्हें, मुझे बताओ इतना ज़्यादा खून किसने मारा तुम्हें? अबू ये सब आपकी वजह से हुआ है, अगर आप हमें चील के घर ना भेजते, ना हम वहाँ पर चोरी करते और ना हमारे साथ ये होता, आज तो मैं उड़ने के काबिल भी नहीं हूँ, मेरे परों पर इतनी ज़ोर से उसने मारा है कि अब तो मैं उड़ भी नहीं सकता, पैदल चलकर आया हूँ सारे रास्ते। अरे कैसे तुम्हारे पर टूट गए, इसका मतलब अब तो तुम कोई काम कर ही नहीं सकते। हाँ अबू ये सब बस आपकी वजह से हुआ है। तो इसका मतलब तुम्हारे लिए खाना पीना मैं ही लेकर आऊँगा? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे मेरी बेटियों दिखाओ, तुम्हारे सालाना इम्तिहान हो रहे थे ना, तो क्या रिजल्ट आया? अबू अबू हम सबको स्कूल से ये इनामात मिले हैं, अच्छे हैं ना? आहिस्ता आहिस्ता बंटी की मेहनत रंग ले आई, बंटी अपनी मेहनत की वजह से एक बड़ा और खूबसूरत घर तामीर करवा लेता है। बंटी अपनी बेटियों के साथ अपने बड़े से घर में खुशी से ज़िंदगी गुजारने लगता है। बंटी आज आप बहुत खुश लग रहे हैं, क्या बात है मुझे भी तो बताएं। हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ, जंगल के सारे परिंदे अपनी बेटियों को अपने ऊपर बोझ समझते हैं, लेकिन मेरी बेटियाँ मुझ पर बोझ नहीं थी, आज मैंने ये साबित कर दिया। हाँ हाँ चलो ठीक है अब हम घर जाते हैं, बहुत देर हो गई है। फिर बंटी अपनी बड़ी सी जीप पर बैठकर घर की तरफ रवाना हो जाता है। सब्सक्राइब